हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने दो अंडों का यूज़ किया है। इसको तोड़कर एक बाउल में ले लें। अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ओरिगेनो, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार आप ऐड करें। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है। अब इसमें हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई प्याज आधी, आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, कैरेट 2 टेबलस्पून ग्रेट की हुई, हरी प्याज बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। अब फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख दें और यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, बीच में से काट लेंगे। ध्यान रखिए किनारों को बिल्कुल ना काटें। इस तरीके से नाइफ से काट के इनको अलग कर लें। सेम तरीके से हम चारों ब्रेड के किनारों को अलग कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है। एक पैन ले लें, उसमें डाल दें बटर या घी, अच्छे से फैला दें। अब जो हमने ब्रेड के किनारों को अलग किया है वो रख देंगे इसके ऊपर। अंडे को इसके सेंटर में डालेंगे, कोई भी चम्मच ले लें, इसमें बीच में रख देंगे इसे इस तरीके से, और थोड़ा सा इसे नीचे से सेट होने देंगे। उसके बाद जो हमने ब्रेड जो बीच में सेंटर में से अलग किया था वो इसके ऊपर रख देंगे। अब ये सेट हो चुका है। इस तरीके से हम ब्रेड इसके ऊपर रख देंगे, एग के ऊपर। ध्यान रखिए जब आप ब्रेड सेंटर में रखेंगे तो एग ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा लिक्विड हो ताकि ब्रेड अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी या बटर लगा लें। एक तरफ से अच्छे से सिक जाने के बाद इसे हम पलट देंगे। जितना आपको कलर देना है, सेकना है, आप सेक सकते हैं। पलटने के बाद दूसरी साइड से भी सिकने तक हम पका लेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गया है, इन्हें एक प्लेट में निकालें और सेम तरीके से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आप इसे सर्व करें तो हरी धनिया की चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें। आप देख सकते हैं कितना इजी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है ये। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आपको इसमें कोई सब्जी पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप कोई और सब्जियाँ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।